आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी बट वेरी टेस्टी नमक पारे, एक स्नैक्स की रेसिपी। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी और मेरे चैनल सुमीज किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे ये सारे रेसिपीज पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके पास ही आप लोगों को एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी आप लोग दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं YouTube पर कोई भी नया रेसिपीज का वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, ये नमक पारी या निमकी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है इधर मैदा, नमक स्वादानुसार, थोड़े से कलौंजी, थोड़े से शुगर या शक्कर और चाहिए ऑयल। तो ये नमक पारे बनाने के लिए पहले हम लोगों को एक डो रेडी करना पड़ेगा। तो पहले ही हम लोग मैदे में दे देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर, कलौंजी या काला जीरा और इसमें मोयान लगाने के लिए देंगे ऑयल। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल से मोयान दे दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक हार्ड सा डो रेडी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा एक हार्ड सा डो रेडी कर लिया है। अभी इसको ढक्कन लगा के 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसकी नमक पारे या निमकी बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 30 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो चलिए अभी इसको बेल लेते हैं और उसके बाद नमक पारे बनाते हैं। उससे पहले हम लोग कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, अभी इसमें ऑयल गरम कर लेंगे नमक पारे या निमकी को फ्राई करने के लिए। जब तक ऑयल हमारी गरम हो रही है तब तक चलिए हम लोग नमक पारे या निमकी को बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी ऐसे लोई काट कर ले लूँगी। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको हम लोग बेल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पतला करके लोई को बेल लिया है। अभी इसको कट करेंगे, नमक पारे के हिसाब से छोटा छोटा करके कट कर लेंगे। आप लोगों को जिस शेप में पसंद हो उस शेप में आप लोग इसको कट कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे को कट कर लिया है। अभी एक एक करके उठा के हम लोग प्लेट में रख लेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे सारे नमक परे को एक एक करके उठा लिया है। अभी चलिए इसको फ्राई करते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। हम लोग नमक पारे को फ्राई करेंगे तो एकदम लो हीट पर करेंगे ताकि हमारे नमक पारे एकदम से क्रिस्प बने। ये देखिए दोस्तों, नमक पारे हमारी अच्छी सी फ्राई हो रही है। हम लोग इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, नमक पारे हमारी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की आ चुकी है, तो अभी इसको हम लोग उठा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारे नमक पारे को हमने ऐसे फ्राई कर लिया है। तो चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने नमक पारे या निमकी को सर्व कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये दिखने में कितना यम्मी लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही यम्मी है। आप लोगों को एक तोड़कर बताती हूँ ये कितना क्रिस्प बना है। ये देखिए दोस्तों, कोई भी मेहमान अचानक से घर पे आ जाए तो आप लोग ऐसे नमक पारे को बनाकर रखिए और चाय के साथ सर्व कीजिए। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इस नमक पारे को आप एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करके 2 to 3 months तक यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक टेस्टी रेसिपी के साथ।